बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहता हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने सोमान में रखे। इस दुआ के साथ आज कब लोग करते हैं शुरू। दोस्तों अभी हम एक शॉप बैठे हुए हैं, ये बुक्स की शॉप है, तो मोहसन भाई मेरे साथ हैं, इन्होंने अपने बेटे के लिए बुक्स लेनी है। हम एक्चुअली कहीं पर जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अभी तो फ़िलहाल हम बाइक पे हैं, हम घर से जाके गाड़ी लेंगे, गाड़ी पे फिर जाएंगे आगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता आगे जाके चलेगा वीडियो को देख के कि हम कहाँ गए हैं और किस काम गए हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ से बुक्स लेंगे, क्योंकि वापसी पे हैं, हम लेट हो जाएंगे तो दुकान जो है वो बंद हो जाएगी। ये टेप क्या करना है, टेप क्या करना है, अभी हम पहुँचे हैं। तकरीबन आधा सफ़र हमने तय कर लिया, तो लंच हम नहीं करके आए थे क्योंकि काफ़ी जल्दी थी हमें और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और मेरे ख्याल में अभी तीन बज चुके हैं दोपहर के बाद। तो अभी भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, ये एक सिटी आया रास्ते में, यहाँ पे हम रुके हैं, तो यहाँ से चेक करेंगे, बैठ के तो हम नहीं खाएंगे, तो देखेंगे अगर पार्सल वगैरह कोई मिल गए, चावल के, बिरयानी के, कुछ भी मिल गया तो वो लेके हल्का फुल्का हम जाएंगे और रास्ते में ही करेंगे लंच, क्योंकि हमें रात को वापस भी आना है, इस वजह से फिर हम लेट नहीं हो जाएंगे। मज़े की है वैसे भी। चम्मच उन्हें रखे ही नहीं, दो दफ़ा उसे कहा मैंने कि भाई चम्मच रखे हैं, छोटा रखे हैं, मैंने सोचा शायद पार्सल के अंदर होगा, लेकिन नहीं निकला। अभी हम जिस जगह पे हमें आना था हम पहुंच चुके हैं। एक्चुअली हम आए हैं ट्रैक्टर देखने और आए हैं हम अमार भाई के पास। तो यहाँ पे ये बर्फ़ी की शॉप है, छोटी सी है लेकिन कमाल की बर्फ़ी बनाते हैं ये।
लोग बहुत ज़्यादा बर्फ़ी यहाँ से लेके बाहर भेजते हैं, तीन तीन चार चार किलो, पाँच पाँच किलो। तो मौसम भाई बोल रहे थे कि मैंने घर के लिए लेनी है, शायद वापसी पे हमें टाइम ना मिले या दुकान बंद हो गई होगी तो फिर बर्फ़ी नहीं मिलेगी, तो जाते वक्त ही ले लेंगे। यहाँ से बर्फ़ी लेके सीधा चलते हैं डेरे पे हमार भाई के पास, और वहाँ से उनको लेके चलते हैं ट्रैक्टर देखने क्या बनते हैं, आगे जा के पता चलेगा। हल्की बर्फ़ी है ये तो माशाल्लाह। क्यों मौसम में मज़ा आया? काफ़ी देर था तो एक किलो पहले हमने ली थी, अब दो किलो करवाई है। तो खैर हम तो आते जाते रहते हैं, मेरे ननिहाल हैं यहाँ पे, तो हम तो लेके जाते रहते हैं, लेकिन मौसम भाई कभी कभी आते हैं तो बोल रहे थे कि दो किलो ले जाएं, अभी दो किलो करवा रहे हैं। कि हम डेरे पे मौजूद हैं तो अमार भाई तो इधर नहीं है, अमार भाई ने हमें लेके जाना ट्रैक्टर दिखाने, तो वो आगे खेतों में है, उन्होंने पानी लगाया हुआ फसल को, तो अभी हम जाएँगे उनके पास वहाँ पर। तो फिलहाल हमारे लिए पानी लेकर आए हुए थे, तो वो हमने उनको बोला कि हमने नहीं पीना, लेट हो जाएंगे जाते हैं, तो वो बोल रहे हैं आप साथ ही ले जाओ। तो हमने बोला आमीन, लेके आए हम साथ, लेके जाते हैं साथ, हमार भाई को भी पिलाएंगे। तो हमार भाई को हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, तो हम खेतों में भी चले गए थे, वहाँ पे नहीं हमें मिले, ये घर आ चुके थे, तो फिर कॉल की इन्हें, घर से इन्हें पिक किया, अभी जा रहे हैं, एक और बंदा है उसे भी साथ लेंगे, तो फिर जाएंगे ट्रैक्टर कौन सी जगह पे है वहाँ पे देख के आएंगे। मैं ना उठे तो तीन डेरे ने बस। अच्छा हाँ, तो देखा तू वो ट्रैक्टर है? ट्रैक्टर देखे है। किंज दा है वो? किंज दा ट्रैक्टर सही है, पैसे वो भी 7 लाख मांगे थे। चलो फिर वेख लेने, राजी वाला वेख लेने, पर उसका कोई रابطہ नंबर कोई अपना रابطہ नंबर कौन है पिंड उसे तुर जाओ पता लग जाएगा उसे पूछ लियो कि इन्हें भी उतो ना ले सड़क तो ही बूटे ट्रैक्टर वाले मिलना है पता लग जाएगा। चलिए फिर चलो भाई। मिट्टी ते चलांदे ट्राली ते ओ तकरीबन 10 साल ना बाद किते प्लाट हुंदा ठीक है। ट्रैक्टर हम देख के आए हैं, 2008 मॉडल था, तो हमें तो इतना पसंद नहीं आया, बाकी इंजन वाइज शायद ठीक होगा, लेकिन उसका जो कलर था या उसकी जो शो थी वो हमें पसंद नहीं आई। अभी एक दूसरा ट्रैक्टर है 2013 मॉडल, वो देखने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं वो हमें मिलता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, इतने कई बंदा ट्रैक्टर भेजता है पैसरा ये दस दिन कोई पता था? है इधर ट्रैक्टर के को लगे मश्ताक बाजवे की वेली तुरला रहा ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨੇਰਾ ਪਈ ਆਵੇ ਆ ਦੱਸਾਂ ਫਰੀ ਆਉਂ ਲਗਾ ਆਉਂ ਲਗਾ ਆਉਂ ਲਗਾ ਆਉਂ ਲਗਾ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਫੜੀ 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 ਲਓ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਰ ਜਾਈਏ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
रात के 11 बज चुके हैं और अभी हम दोनों भाई रास्ते में ही हैं। तो बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, एक बार मोहसिन भाई को कॉल आती है, दूसरी बार मुझे कॉल आती है कि पापा कहाँ चले गए हो। तो अभी हमारा 20-25 किलोमीटर सफ़र बाकी है, हम लेट हो गए। उसकी वजह ये थी कि दो ट्रैक्टर हमने देखे थे, एक ट्रैक्टर तो हमें पसंद आया था लेकिन उसके साथ हमारी डीलिंग नहीं हुई, सौदा नहीं बना। तो बाकी एक ट्रैक्टर तो हमें पसंद ही नहीं आया था। उसके अलावा फिर हम घर आए, वहाँ पर ही बैठे हुए थे, कज़न लोग भी वहाँ पर ही बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे कि एक और ट्रैक्टर है हमारी नज़र में तो वो भी चेक कर लो। फिर वो देखने के लिए हम चले गए, वो भी हमारी समझ में नहीं आया, उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लगी हमें, तो हमने रिजेक्ट कर दिया। कुछ टाइम वहाँ पे लग गया, कुछ हम रास्ते में आते वक्त एक जगह पे रुक गए, वहाँ पे कोई आधा घंटा चाय वगैरह पी। तो वहाँ से फिर अभी 20-25 मिनट हुए हैं हमने सफ़र स्टार्ट किया है, तो काफ़ी स्पीड से हम जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्दी, तो जाते हैं फिर जल्दी जल्दी पहुँचते हैं बच्चों के पास। बाकी इंशाल्लाह कोशिश हमारी जारी है, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह कोई अच्छी गाड़ी हमें मिल जाएगी तो वो हम ले आएंगे।